नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मुगलई बिरयानी। अब जैसे कि मुगलई बिरयानी सुनते ही जहन में आता है कि नॉन वेज, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए वेज बिरयानी बनाने जा रही हूँ। और आप जब भी हैदराबाद जाएं तो वहाँ की बिरयानी ज़रूर खाएं, क्योंकि हैदराबाद की जो पुरानी मुस्लिम फैमिलीज हैं उनके कुछ दिए हुए इसमें टिप्स और सीक्रेट इस बिरयानी को स्पेशल बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मुगलई बिरयानी। मुगलई बिरयानी में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, चलिए अब उनको देते हैं, एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ये हैं 2 कप चावल, जो कि 2 कप पानी में ही 2 घंटे के लिए सोक किए गए हैं। 2 कप दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा आलू लंबे साइज में कटा हुआ, 3 टेबल स्पून देसी घी, 2 प्याज थोड़े लंबे कटे हुए, 1 पूरे नींबू का रस और ये 3 टेबल स्पून दूध है जिसमें कि हमने केसर घोली हुई है। और ये है ग्रेवी, जो कि जैसे आप आलू प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, घर में आपकी कोई ग्रेवी की सब्ज़ी रखी हुई हो, मान लीजिए एक दिन पहले की रखी हुई हो, तो आप उसको भी डाल सकते हैं या अलग से एक नॉर्मल सिंपल ग्रेवी बना के वो इसमें डलेगी। मुगलई बिरयानी की सबसे खास चीज़ है उसकी सीजनिंग्स, यानी कि साबुत गर्म मसाले। तो चलिए मैं आपको उनके बारे में बता दूँ। 10-12 लौंग यानी कि क्लोव, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा जिसके छोटे टुकड़े करे हुए हैं यानी कि सिनेमन, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जावित्री छोटे टुकड़ों में तोड़ी हुई, 5-6 छोटी इलायची। अगर हमने 2 कप चावल लिए हैं तो हम 2 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 जायफल का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ यानी कि नटमैग, और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो हम मुगलई बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक भारी तली का भगवाना लेंगे जिसको कि हम गैस पे चढ़ा देंगे। अगर हम ये हम भगवाना इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको हमें बाद में सील करके दम पे पकानी होती है बिरयानी। उसके लिए अब हम इसको इसमें देसी घी डालेंगे, और इसमें ये प्याज डाल के इसे थोड़ी देर सौते करेंगे तेज आंच पे। देखिए अब प्याज थोड़ी सौते हो गई है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें ये आलू डाल देंगे। और थोड़ी देर इसे भूनेंगे। अब इसमें भूनने का काम तो अब इसके बाद कुछ है नहीं, क्योंकि अब इसके बाद हम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक एक करके इसमें सारे डाल दिए हैं हम, और बस फिर इसको दम पे पकाना है। तो मैं एक एक करके सब चीज़ें डाल रही हूँ, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी, लौंग, जायफल, जीरा, लाल मिर्च, और वो जो हमने ग्रेवी बनाई थी उस ग्रेवी को डाल देंगे हम। नमक, और वो जो चावल हमने भिगोया है अब हम उसे डालने जा रही हूँ। और इसके साथ ही इसमें हम केसर मिला हुआ दूध डाल देंगे, इसमें पानी कम डालने का कारण यह है कि क्योंकि इसमें दही भी होता है तो उसको गलने के लिए काफी मॉइस्चर मिल जाता है। और आखिर में हम ये नींबू का रस डालेंगे। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सारे पड़ चुके हैं इसमें, अब इसे अच्छी तरह चलाकर इसे मैं सील करूंगी। सील करने के लिए इस भगवाने के नाम की एक थाली लेके और इसको हम आटे से सील करेंगे, और ये करीब 1 घंटे तक मीडियम हीट पर पकाई जाएगी, जो कि दम पर पकेगी, तभी इस बिरयानी का मजा आएगा। सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इस भगवाने के नीचे मैंने भारी लोहे का तवा रखा है,
उस लोहे के तवे के ऊपर ही इस बिरयानी को, क्योंकि इस भवानी को हम डायरेक्ट गैस पे नहीं रखेंगे, उसे बिरयानी दम पे नहीं पक पाएगी। ये हमने सब तरफ आटा लगा दिया है, कहीं पे भी खुला नहीं है। ये देखिए सब जगह से ये सील हो गया है, इसको और दबा दीजिए आप जहां भी आपको लगे कि कहीं खुला है। देखिए ये पूरा सील हो गया है। अब मैंने नीचे ये भारी लोहे का तवा रखा है, उसके ऊपर भवानी को रखा है, तो 5 मिनट तो हम तेज आंच पे रखेंगे, बस उसके बाद मीडियम हीट पर ये 1 घंटे तक पकेगी बिरयानी। अब हमारी मुगलई बिरयानी तैयार है। इसको मैंने 1 घंटा मीडियम फ्लेम पर दम पर पकाया, फिर गैस बंद करके 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और बस लीजिए अब आपके सामने इसको ओपन करते हैं। इसको चाकू से थोड़ा सा इस आटे को आप काटिए ऐसे प्लेट से, और बस ये ओपन हो जाएगी। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब आप इंजॉय कीजिए। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब बाकी तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करें, बाकी कुछ मैं अपने तरीके से डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये मुगलई बिरयानी तैयार है। इस बिरयानी की एक ख़ास बात यह है कि इसको अगर आप एक दिन रख कर खाएंगे तो इसके मसाले इसके अंदर और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ज़्यादा खुशबू देंगे, तो उसका मज़ा आपको